हेडलाइंस की बात, चलिए रुक करते हैं खबरों का। मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बुधवार को 10वीं कक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। कोरोना के मद्देनजर निर्धारित की गई मूल्यांकन पद्धति यानी इंटरनल असिस्टेंट के चलते सभी 10 लाख से ज्यादा विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे। राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने यहां औपचारिक तौर पर नतीजे घोषित किए। इस मौके पर उन्होंने कहा, नतीजे मूल्यांकन पद्धति से घोषित किए गए हैं और जो परीक्षार्थी इससे संतुष्ट नहीं हैं, उनके समक्ष परीक्षा देने का विकल्प खुला है। वे निर्धारित तिथि के अंदर इस संबंध में परीक्षा देने के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं रिजल्ट से असंतुष्ट छात्र सितंबर में विशेष परीक्षा दे सकते हैं। वहीं स्कूल शिक्षा मंत्री ने साफ किया कि स्कूल खुलने से पहले टीचर्स का वैक्सीनेशन होगा, बिना वैक्सीनेशन के कोई टीचर क्लास नहीं लेगा। दसवीं का रिजल्ट घोषित हुआ है और मैं आज आपके चैनलों के माध्यम से बच्चों को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। सभी बच्चे पास हुए हैं और सभी बच्चे पास होने का कारण है कि हमने जो इंटरनल असेसमेंट किया है, जो वर्ष भर स्कूल में हमारे किया जाता है असेसमेंट, उसको आधार बनाकर किया है, वैज्ञानिक पद्धति से उसका मूल्यांकन कराया है। हमने उसी को आधार बनाया। यदि कोई विद्यार्थी उसमें असंतुष्ट है या उसको लगता है कि मुझे ज्यादा अंक आ सकते हैं, तो वो परीक्षा का भी उनको हम विकल्प दे रहे हैं, वो परीक्षा में बैठ सकते हैं।